और जस्ट थोड़ी देर पहले फीफा ने इस बार के सारे देशों की रैंकिंग्स डिस्क्लोज कर दी है, जिसमें हमारी टीम इंडिया की भी रैंकिंग्स अगर आप सुनोगे तो आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे। अभी रैंकिंग देखने के बाद इसका भी अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि इंडिया 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी हो पाएगी या नहीं। लियोनेल मेस्सी ने इस साल फीफा वर्ल्ड कप जीतकर अर्जेंटीना को अपना तीसरा विश्व कप हासिल करके दिया। इसके बावजूद भी अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप में पहले नंबर पर रैंक नहीं करती। पहले नंबर पर रैंक करने वाली टीम और कोई नहीं बल्कि वो टीम है जिसको क्रोएशिया ने क्वार्टर फाइनल्स में हरा कर वर्ल्ड कप से बाहर निकाला था। सही कहा, ब्राज़ील। फीफा वर्ल्ड कप में पहले नंबर पर रैंक करने वाली टीम और कोई नहीं बल्कि टीम ब्राज़ील है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रैंक करने वाली टीम है टीम अर्जेंटीना, और तीसरे नंबर पर वो टीम है जो टीम इस बार फाइनल्स में हार चुकी है, यानी कि टीम फ्रांस। इसके बाद चौथे नंबर पर है टीम बेल्जियम, पांचवें नंबर पर टीम इंग्लैंड, छठे नंबर पर टीम नीदरलैंड्स, सातवें नंबर पर टीम क्रोएशिया, आठवें नंबर पर टीम इटली, नौवें नंबर पर टीम पुर्तगाल और दस नंबर पर है टीम स्पेन। तो इसके बाद अब इंडिया इस लिस्ट में कहाँ रैंक करती है? तो इंडिया की मेंस फुटबॉल टीम 20-30 या नहीं बल्कि सैडली 106 नंबर पर रैंक करती है, और इंडिया की वुमेंस टीम 61 नंबर पर रैंक करती है। ये सुनकर जितना ज़्यादा बुरा लगता है उससे भी बुरी बात यह है कि इस रैंकिंग की वजह से हमारे इंडियन प्लेयर्स को किसी बड़े क्लब में खेलने का मौका नहीं मिलता। अब आने वाले 4 सालों में फीफा में क्वालिफाई होने के लिए इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस